डायग्राम में थोड़ा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस एंड माइनस, ये प्लस है, डायलेक्ट्रिक स्लैब है, तो बाय पोलराइजेशन नॉट बाय इंडक्शन, ये देखो एटम स्ट्रेच हुए, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इससे कमज़ोर होगा, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये ना लाइन कट की हुई है, इसको प्लीज़ मिटा लो, इसे मिटाना भूल गया, इसे ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही, प्लीज़ इसको हटा लो प्लीज़, मैं स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ये भूल गया, इसको डिलीट करना भूल गया, प्लीज़ ये लाइन नहीं एग्जिस्ट करती, इसको हटा लें प्लीज़, ठीक है। ठीक, देखो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना अप्लाई किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे ई नॉट, जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का था, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, इसके इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ ई, और ई किसके इक्वल होता है, ई नॉट माइनस ई पी, बताया मैंने ई नॉट माइनस ई पी, ये भी क्लियर है। तो ये स्लैब की थिकनेस कितनी है टी, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में थिकनेस कितनी है डी, डी और टी, क्लियर है यहां तक। अब अगर आप कैपेसिटेंस, अगर ये स्लैब ना डाले तो कैपेसिटेंस क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, पर आपने स्लैब डाल दी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू जो भी आपने यहां पर चार्ज दिया क्यू, उसको इन प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर आप क्यू को इन प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी इसकी नई कैपेसिटेंस। अब एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, ई नॉट, और ये रीजन की थिकनेस कितनी है डी माइनस टी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है नेट ई, और थिकनेस कितनी है इसकी टी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ ई इंटू टी, ये भी क्लियर है यहां तक। तो कंडक्टिंग स्लैब में बस एक ही फर्क था, ये ई जीरो था तो ये टर्म नहीं आती थी, इंसुलेटर में ये टर्म आ जाती है। तो फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ई नॉट है, ई नॉट है, और ये डिस्टेंस कितना है डी माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है ई, और ये डिस्टेंस कितना है टी, ये स्टेप क्लियर है, बस ये स्टेप मेन है इसमें। अब ये ई है क्या, ये डायलैक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और मैंने आपको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट सिखाया, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या चीज है, ई नॉट अपॉन ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई क्या आ गया, ई नॉट बाई के, तो आप इस ई की जगह पुट करेंगे ई नॉट बाई के, ई नॉट यहां से कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर की प्लेट्स में ई नॉट क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज बाय एरिया, तो आप कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्यू को इस पूरे, ये देखो सिग्मा को चार्ज बाय एरिया, तो कैपेसिटेंस क्या होगी क्यू डिवाइडेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू को इससे डिवाइड कर दें, तो क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ गया, तो यहां से माइनस टी कॉमन आ गया, माइनस टी कॉमन आगे क्या बचा वन माइनस वन बाय के, तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाली जाए जिसकी थिकनेस टी है, तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इनटू वन माइनस वन बाय के, क्या ये स्टेप क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इसे यूज करना है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसको फॉर्मूले को याद भी करना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। ठीक है, अब कोई ये कहता है क्यों ना ऐसा करें, पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक ही डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक ही डाइलेक्ट्रिक भर दो, ये भर दिया, यानी कि टी इज इक्वल टू डी, सेम थिकनेस, तो अब देखें क्या हुआ, तो जब मैंने इस फॉर्मूले में टी को डी पुट कर दिया, टी को डी पुट कर दिया, इसे ओपन किया, डी से डी कैंसिल, आंसर ये आ गया। तो देखने वाली बात क्या है, बिना स्लैब के आंसर ये था, पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दो, T इज इक्वल टू डी, एक एक स्पेस भर दो, पूरा फिल कर दो कैपेसिटर को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, K टाइम्स, क्या सही चीज है, बिना स्लैब के ये कैपेसिटेंस,
डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स। अब सोचो आपने आपकी बिना स्लैब के कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है, आपने एक ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया डाइलेक्ट्रिक जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है, तो जब उस मटेरियल को आप कैपेसिटर में भर देंगे आपकी कैपेसिटेंस विल बिकम 80 टाइम्स, उसी जगह में 80 गुना ज्यादा चार्ज आएगा, सही है। अच्छा चलो आपने एक ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1000, 1000 गुना ज्यादा बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी उसी की, छोटे से कैपेसिटर की। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरी स्लैब को या पूरी जो प्लेट्स हैं उसको फिल कर दो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सबसे सही तरीका यही है। तो अगर आप इन्हें डिवाइड करें तो आप चेक कर सकते हैं आपकी नई कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम बिना स्लैब के कैपेसिटेंस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर।